नहीं है ना तैयार? तैयार है ओके। सो मंगलाचरण से शुरू करते हैं हम लोग। शूज यदि उतार दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, भले नीचे उतार लें, उतार के रख लें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। लॉस एंजल्स में आयोजित इस जैना कन्वेंशन में आज हमारा विषय है प्रैक्टिस ऑफ जैन प्रिंसिपल्स। डेली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी है ना आप सभी को, आप चाहते हैं ना करना। प्रश्न यह है हमारा आप सबके बीच में कि धर्म कब करें? बोलो धर्म कब करें सब? कब करना चाहिए धर्म? कह दिया आपने हर पल, लेकिन मैंने तो बहुत लोगों से सुना है कि बुढ़ापे में करना चाहिए। नहीं, बुढ़ापे में नहीं करना चाहिए, बुढ़ापे में भी करना चाहिए, बुढ़ापे में भी करना चाहिए, लेकिन बुढ़ापे में ही करना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। क्या आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना धर्म करते हैं? बस जो बोल रहे हैं ना उतने ही करते हैं, पता है मुझे। बाकी लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि धर्म रोज करने की चीज नहीं है, धर्म तो बुढ़ापे में करने की चीज है, ऐसा लोग कहते हैं। कभी कभी तो ऐसा आश्चर्य होता है महेंद्र भाई, जिन लोगों के सर में बाल सफेद आ गए, सफेद क्या सर से उड़ने लग गए, उनसे भी पूछते हैं तो कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे। मुझे लगता है हम और कौन से बुढ़ापे में करेंगे, हम और कौन से बुढ़ापे का इंतजार है, बुढ़ापे में करेंगे धर्म। भाई साहब बुढ़ापे की स्थिति जानते हैं? एक तो वो स्थिति है जब बुढ़ापा आएगा ही नहीं, कोई गारंटी नहीं है, गारंटी तो नहीं ले सकते ना हमारे युवा साथी कि बुढ़ापा आएगा, कि नहीं सब गारंटी तो नहीं ली जा सकती है। और बुढ़ापा यदि आ गया तो क्या होगा? सुनो, जब आंख पे पड़ेगा जाला, मोती अभी हो जाता, जब आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, कानों पे पड़ेगा ताला, लाठी से पड़ेगा पाला, और पांचों ही इंद्रियों का निकलेगा दीवाला, ऐसी दशा में क्या करेगा लाला? क्या करेंगे हम ऐसे बुढ़ापे में? लेकिन कुछ भी हो, हम धर्म करना चाहते हैं बुढ़ापे में। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बुढ़ापे बुढ़ापे की बात करते हैं, और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं बुढ़ापे में नहीं, हम तो जवानी में भी करते हैं, लेकिन कब? पर्युषण या दस लक्षण में। सही बात है, एक बुढ़ापे में थोड़ी ना आता है, तो हर साल आता है, हम तो हर साल करते हैं भाई साहब, लेकिन पर्युषण में करते हैं या दस लक्षण में करते हैं, ऐसे विशेष अवसर पे करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर के कब जाते हैं, जनवरी में या फरवरी में? डॉक्टर को कब दिखाते हैं आप? कौन से महीने में दिखाते हैं, संडे को या मंडे को? कोई डेट निश्चित है, कोई वार निश्चित है, कोई तिथि निश्चित है कि नहीं? कुछ नहीं। तो फिर धर्म करने के ये दिन निश्चित क्यों हैं कि साल में सिर्फ 8 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 18 दिन करेंगे, 1 महीने करेंगे, ये दिन निश्चित क्यों है, ये बताइए मुझे। अभी सोचते हैं हम इसके बारे में? सोचते ही नहीं है, हमें लगता ही नहीं है ऐसा कि ये रोज करने की चीज है। कुछ लोग और मिलते हैं, वो ये कहते हैं नहीं नहीं साहब, जब संकट आए ना तब करना चाहिए। ऐसे भी तो लोग मिलेंगे दुनिया में,
जब संकट आए तब करो। अच्छा, संकट आए तब करें? सच में जब संकट आएगा तब भगवान को याद करेंगे? देखो भाई, आपके घर में, सबके घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे, बच्चे पोते होंगे, खेलते कूदते होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप उनको कोई काम करने के लिए कहो तो वो कहना नहीं मानते होंगे। होता है ऐसा? बहुत बार होता है, सुनते ही नहीं है। एक गिलास पानी पिलाने के लिए कहो तो वो मना कर देते हैं। लेकिन एक बात पूछता हूं आपसे, कदाचित किसी दिन वो आपके पैर दबा रहे हो आकर के, और आकर के कहे दादाजी दादाजी कुछ काम हो तो बताओ ना। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? क्या मतलब होता है? अरे बेटा क्या चाहिए तुझे, सीधा सीधा था बोल, यही अर्थ है ना। माने घर के बड़े बुजुर्ग दादाजी भी इस बात को समझ जाते हैं कि इसको कुछ ना कुछ डिमांड है, इसलिए आज मेरे पास में आया है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारे बुजुर्गों से भी कम समझदार होंगे परमात्मा? जिनको आपने संकट आने पर याद किया और वो तुरंत दौड़े चले आए संकट निपटाने के लिए, क्या वे परमात्मा हमारे संकटों को दूर करेंगे? सोचा है कभी आपने गहराई से? नहीं कर सकते हैं भाई साहब। हमारे भगवान तो वैसे भी अकर्ता हैं, हमारे भगवान कुछ करता धरता नहीं है, कुछ भला बुरा नहीं करते हैं। ये संकट आने पर भगवान को याद करना अच्छी बात नहीं है, तो फिर कब करें साहब? एक बात आप ही बता दो कि बता दी ना, रोजाना करो, रोजाना डेली। हमारा टॉपिक तो यही है, प्रैक्टिस कब करें? कि डेली करो, रोजाना। आपको लगता है ऐसा? रोजाना शब्द सुनते ही हमारे दिलो दिमाग पर क्या गुजरती है? अरे साहब आपने कह दिया, पंडित जी इंडिया से आए हो और आपका तो काम ही यही है। हम लोग अमेरिका में रहते हैं, हमें क्या फालतू समझ रखा है आपने? मरने की फुर्सत नहीं है लोग। और सुनो, मरने की फुर्सत नहीं है। यमराज जब आएगा ना दरवाजे पर आकर के खड़ा होगा तो कहेंगे भैया अभी फुर्सत नहीं है, जाओ। फुर्सत नहीं है मरने की? क्या मरने के लिए भी फुर्सत निकाली जाती है? कितने लोग ऐसे हैं जिनसे मैं पूछता हूं, वो कहते हैं पंडित जी सच में टाइम नहीं है हमारे पास में, टाइम नहीं है हमारे पास में। कितने बिजी हैं आपको पता नहीं है, हमारे यहाँ की अमेरिका की लाइफ कितनी फास्ट है, इस लाइफ के अंदर कुछ हो नहीं सकता है, कितना काम करें हम कर नहीं पाते हैं, ये इजी नहीं है ऐसा ऐसा करना। क्या अच्छा भाई, कितने बिजी रहते हो आप? कि साहब सुबह 7 बजे तो निकलना पड़ता है, इतना ट्रैफिक रहता है, इतना काम रहता है, वापस लौटते हुए आते हैं तब तक रात को 10-10:30 बज जाते हैं। इतनी दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, कितनी प्रॉब्लम है, आसान नहीं है। आपने कह दिया रोजाना रोजाना करो, अच्छा कितना बिजी रहते हैं भाई साहब? सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक इतना बिजी है। तो मैं ये कहता हूं कि अच्छा इसका मतलब आप रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बिल्कुल फ्री है। क्या क्या मतलब है इसका? सुबह 7 से रात 10 बजे तक बिजी है इसका मतलब क्या है? रात से लेकर के सुबह तक फ्री है ना आप। ये टाइम किसी और के लिए नहीं निकालना है, जिस प्रैक्टिस की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये किसी और के लिए नहीं है भाई साहब, ये अपने आप के लिए है। सबके लिए टाइम है हमारे पास में, आपके पास में टाइम नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप? शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते हैं? नहाते हैं कि नहीं आप लोग? नहाते हैं? सब कोई ऐसे हो जो नहीं नहाते हो हाथ खड़ा करें। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं किसको टाइम नहीं मिलता है। मैं तो टाइम की बात कर रहा हूँ, हिंसा की उससे कोई बात नहीं। रोजाना नहाते हैं ना हम, किस लिए? शरीर की सफाई के लिए, शरीर के लिए नहाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, न मालूम क्या क्या नहीं करते हैं हम इस शरीर के लिए। लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं भाई साहब? बोलो, आप शरीर है या आत्मा है? विचार तो करो आप, हम आत्मा है या शरीर है? दिन रात लगे रहते हैं शरीर शरीर के लिए, खाना पीना नहाना धोना घूमना फिरना सब कुछ, सुबह उठने से लेकर जितनी क्रियाएं हमारी होती है सब कुछ शरीर 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 के लिए ही तो हो रही है। आत्मा के लिए क्या कर रहे हो आप? क्यों आत्मा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं?
अपने आप के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, अपने आप के बारे में सोचने विचार करने की जरूरत नहीं है। कि नहीं सब शरीर तो गंदा हो जाता है तो क्या आत्मा गंदा नहीं होता? आत्मा भी गंदा होता है क्या? राग द्वेष से गंदा होता है, कषाय से गंदा होता है, मोराग द्वेष के परिणामों से गंदा होता है, हमारे विकारी भावों से गंदा होता है। क्यों नहीं विचार करते हो आप गहराई से? क्या उसको निलाने की जरूरत नहीं है? क्या जरूरत महसूस नहीं होती है? ये शरीर तो कृतघ्नि है। कृतघ्नि जानते हैं आप, हिंदी का एक शब्द है, कठिन शब्द है थोड़ा सा। कृतघ्नि उपकार को भूल जाने वाला, जो उपकार याद नहीं रखता। आप इस बॉडी को कितना भी नहलाओ, कितना भी अच्छे से अच्छे बादाम खिलाओ इसको, लेकिन फाइनली क्या होगा? वही आंख से दिखना कम हो जाएगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, घुटने दर्द करेंगे, उठते बैठते भगवान याद आएंगे, यही सब होने वाला है फाइनल। तो इसका मतलब इस शरीर को कितना भी संभालो, ये शरीर संभलने वाला नहीं है। इसको कितना भी सुधारने की कोशिश करो, ये सुधरने वाला नहीं है। और सुनो, परमात्मा बनने के लिए इस शरीर के निलाने धुलाने की जरूरत नहीं है। आत्मा को संभालने वाले परमात्मा बन जाते हैं। ये परमात्मा बनने का मार्ग है जिन सिद्धांतों की हम यहां चर्चा कर रहे हैं आपके बीच में। कई लोग मिलेंगे ऐसे भी हमारे बीच में जो ये कहेंगे, पंडित जी हम तो रोज करते हैं, क्या बात कर रहे हो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो डेली करते हैं धर्म? ओ है, कुछ लोग तो हैं, भले इतनी बड़ी सभा में 10% हो लेकिन फिर भी बहुत हैं। 10% लोग भी बहुत हैं। इतने लोग धर्म रोजाना करते हैं, लेकिन यदि मैं आपसे पूछ लूं कि आप धर्म के नाम पर क्या करते हैं क्या करते हैं बोलिए, धर्म के नाम पर क्या क्या करते हैं? बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। मुझे मालूम है आपके कितने प्रकार से जवाब हो सकते हैं। मैं सबकी यहाँ चर्चा करूंगा, थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा आपके बीच में, और ये भी बात करूंगा कि आखिर आप ये धर्म क्यों करते हैं, क्यों करते हैं धर्म, किस लिए करते हैं? अच्छा, सब अपने बच्चों को धर्म कराना चाहते हैं कि नहीं? सब चाहते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है बच्चे धर्म करें, बच्चे धर्म करें, धर्म मार्ग पर लगे। सही बात बतलाऊं, आप एक लिमिट में धर्म कराना चाहते हैं बच्चों को। आपके बच्चे इतना धर्म करने लगे कि वो हमारे जैसे इसी मार्ग पे लग जाए तो कौन कौन तैयार है बोलो? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। घर छोड़ करके थोड़ा सा धर्म मार्ग में बढ़ने लगता है ना भाई साहब, तो हमें टेंशन होने लग जाती है, ये कहीं त्यागी नहीं हो जाए, सन्यासी नहीं हो जाए, छोड़ के नहीं चला जाए। एक दो तो बच्चे होते हैं और उनमें भी छोड़ करके चले गए तो फिर क्या होगा? हम सिर्फ इतना धर्म कराना चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर हमारा नाम बदनाम नहीं करें। दिल पर हाथ रख करके सोचना सही कह रहा हूं कि नहीं? हम इतना ही चाहते हैं कि वे हमें बदनाम नहीं करें, हम इतना ही चाहते हैं कि वे कोई गलत काम नहीं करें, हम इतना ही चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वे कहीं दुनिया में इधर उधर जाएं तो ये नहीं हमारा नाम बदनाम करेंगे, उनका बेटा है उनको देख लो आप, ऐसा तो नहीं हो कभी? चलो कोई बात नहीं, क्या क्या धर्म करते हैं कुछ देखें अपन बातें जरा, क्या क्या करते हैं? वैसे भगवान के दर्शन करते होंगे या तो आप क्यों करते होंगे, या तो दर्शन करते होंगे या फिर क्या करते हैं, अभिषेक प्रक्षाल करते होंगे और क्या करते हैं, या फिर पूजन भक्ति किया करते होंगे और क्या क्या करते हैं? देखना जरा, इनके अलावा भी कुछ हो तो बताना मेरे को, और क्या क्या करते हैं आप? आरती करते हैं और क्या करते हैं? माला फेरते हैं, जाप करते हैं और क्या कर रहे हैं बोलो? प्रार्थना, योगा तो बहुत चलता होगा यहां अमेरिका में, चलने लगा है ना योगा, तो बहुत योगा करते हैं, तपस्या, उपवास बहुत सारे लोग करते होंगे आप लोगों में से, करते हैं उपवास आप लोग कभी? फास्टिंग बहुत बहुत करते हैं ना कभी कभी, और क्या क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा करते होंगे और स्वाध्याय करते होंगे, प्रतिक्रमण करते होंगे बहुत सारे लोग, सामायिक करते होंगे, बहुत बहुत सारी चीजें बता दी है मैंने, इनमें सब शामिल हो गए लगभग आपकी सारी बातें। लेकिन मेरा ये पूछना ये है, आप उपवास क्यों करते हैं बोलो? कर्मों की निर्जरा के लिए।
तो कब से कर रहे हैं उपवास? बचपन से कर रहे हैं, अभी तक मेरी जगह नहीं हुई। रोज बंद भी रहे हैं, रोज बंद भी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले बंधना बंद हो तो निर्जरा काम आएगी। भाई साहब, आपने संवर, निर्जरा, आश्रव, बंध, इनके बारे में वो बोट का एग्जांपल सुना होगा, सुना है ना आप लोगों ने? वो बोट का एग्जांपल, बीच में उसमें छेद हो गया मान लो, और पानी आने लगा। पानी का आना क्या है? आश्रव। पानी रुक रहा है वो बंध नहीं, आना रुक जाना, उस छेद को रोकना वो संवर। पानी धीरे धीरे निकालना और पानी खत्म हो जाना, किसका? हमारा के नाव का। नाव है। मुझे ये पूछना है आपसे कि ये जो पानी उस नाव में आने लगा, मान लो दो चार छेद हो गए उस नाव में और पानी आने लगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने एक मग्गा लिया और पानी निकालना शुरू कर दिया, बोलो अच्छा है कि नहीं काम? पानी निकालना क्या करना पड़ेगा था पहले? और छेद बंद नहीं करे तो मैं मेहनत किए जा रहा हूँ, बहुत पानी निकालता जा रहा हूँ, निकालता जा रहा हूँ, निकालता जा रहा हूँ, क्या होगा प्रदीप भाई? अंति नहीं होगा कभी। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को सबसे पहले छेद बंद करना पड़ेगा, माने संवर जरूरी है, इसके बिना निर्जरा नहीं होती। हम कितने भी उपवास कर ले, माला फेरते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो माला फेरते हैं? काफी लोग माला फेरते हैं। आपको मन लगता है ये माला फेरने में इधर उधर जाता है? थोड़ा जाता है पूरे टाइम किसकी माला फेरते हैं आप? किसकी माला फेरते हैं आप? सच में इसका नाम माला फेरना नहीं है। न हम दर्शन करना जानते हैं, न हम व्रत जानते हैं, न हम उपवास करना जानते हैं। मैंने पूछा भाई साहब उपवास क्यों करते हो आप, तो उन्होंने कहा कि वीक में एक दिन उपवास करने से थोड़ा बॉडी ठीक रहती है। बॉडी ठीक रहती है तो इसलिए उपवास करते हो, शरीर मेंटेन करने के लिए तो उपवास करते हो, इसलिए माला फेरते हो तुम कि वो मन इधर उधर दौड़ता रहे, साधना के लिए बैठते हो, प्रतिक्रमण के लिए बैठते हो। कहां मन जाता है? कबीर दास जी की वे पंक्तियां याद नहीं है आपको? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा फिरे बाजार में, यह तो सुमिरन नाही। कर माने हाथ, माला हाथ में फिर रही है और मुंह में जीभ फिर रही है, और मन कहां फिर रहा है भाई साहब? बाजार में। और कह रहा है मैं तो जाप कर रहा हूं, मैं तो प्रभु का स्मरण कर रहा हूं। इसका नाम प्रभु का स्मरण है क्या? तो फिर कबीरदास जी ने दो पंक्तियां और लिखी, जैन दर्शन की बात नहीं कह रहा, कुमारनिक बात है। क्या लिखा उन्होंने? माला चेतन सो कहे काहे फिरावे मोए। माला क्या कहती है इस चेतन से? माला चेतन सो कहे काहे फिरावे मोए, और मनवा क्यों नहीं फेरता मुक्ति मिलावे तोए। अपने मन को फेर भाई, ये जैन दर्शन मन को फेरने की बात करता है। सच बात तो यह है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं धर्म के नाम पर, मैंने स्वाध्याय भी शामिल कर लिया है, मैंने तप भी शामिल कर लिया है, मैंने प्रतिक्रमण सामायिक भी शामिल कर लिया है, मैंने पाठ भी शामिल कर लिया है, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये सब क्रियाएं बनकर के रह गई हो? हमने ध्यान नहीं दिया अपने आप की तरफ, हमने ध्यान नहीं दिया अपने मन की तरफ, हमने ध्यान नहीं दिया अपने परिणामों की तरफ, अपने भावों की तरफ। फल तो उसका लगेगा भैया, क्या करें? देखो आगे क्या कहते हैं। मेरा प्रश्न यह है, पर क्या ये सब आत्मा के लिए है? क्या यही जैन प्रिंसिपल्स है? टॉपिक क्या है अपना? प्रैक्टिस करनी है जैन प्रिंसिपल्स की, जैन सिद्धांतों की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन क्या ये जैन प्रिंसिपल्स हैं क्या? क्या ये जैन सिद्धांत हैं क्या जिनकी हमने चर्चा की है? क्या इनको हम सिद्धांत कहकर के पुकारेंगे? नहीं भैया, ये सिद्धांत नहीं है, ये बाह्य आचरण है, ये सदाचार हो सकता है, ये प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ क्रियाएं हो सकती है, बाह्य क्रियाएं
जो देह की क्रियाएं हैं ये वास्तव में जैन प्रिंसिपल्स नहीं है। बहुत सारे जैन प्रिंसिपल्स, लेकिन एक प्रश्न और खड़ा होता है कि जैन प्रिंसिपल्स क्या है और इनकी प्रैक्टिस कहां करें। यदि ये सब नहीं है तो कई लोग ये सोच रहे होंगे फिर तो मुनि बनने पर होगा, फिर तो साधु बन जाएंगे, फिर तो जंगल जाकर के करेंगे, फिर तो उपाश्रय में जाकर के करेंगे, फिर तो कहीं और जाकर के करना होगा। कहां करें ये प्रैक्टिस? ये प्रैक्टिस कौन सी जगह पर की जाए? ये धर्म की प्रैक्टिस कहां करें भाई साहब? बोलो, प्रैक्टिस करना है हमारे को गृहस्थी में करो, कहीं भी कर सकते, कहीं भी कर सकते, घर में, घर में करें, मंदिर में या किसी तीर्थ स्थान पर, कहां करें प्रैक्टिस? सब जगह पर करें, सभी जगह पर करें, कर सकते हैं। क्या करें प्रैक्टिस के लिए बोलो? अच्छा, यहाँ हॉल में बैठ के कर सकते हैं क्या? अभी यहाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? अभी क्या कर रहे हैं आप? प्रैक्टिस चल रही है तो क्लास बंद करूं, काहे को बुलाए मेरे को? मैंने आपकी प्रैक्टिस यदि चल रही है, मान लो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग परफेक्ट हैं और आप लोग जानते हैं हाउ टू प्रैक्टिस, तो मेरी क्या जरूरत है? देखो भाई साहब, प्रैक्टिस किसी क्षेत्र में नहीं होती, हर क्षेत्र में नहीं करनी है। सही बात तो ये है, ये प्रैक्टिस के लिए एकांत तलाशता है, ये प्रैक्टिस के लिए तीर्थ क्षेत्र तलाशता है, ये प्रैक्टिस के लिए कोशिश करता है कोई ऐसा स्थान होना चाहिए, कोई ऐसा स्थान होना चाहिए, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, शिखर जी जाकर के करूंगा प्रैक्टिस, एक बार बस ये बिजनेस ये सारे काम छूट जाए मेरे, उसके बाद करूंगा, उसके बाद करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। कितने स्थान तलाश रहा है, कहां कहां, कौन से मंदिर में जाकर के करें? आपके अहले वाले मंदिर में हो सकता है? यहां हमने भी 5 दिन का शिविर लगाया अभी, यहां हो सकता है क्या? कौन से क्षेत्र पर जाकर के होगा बोलो? शिखर जी होगा, गिरनार जी होगा, पालीताना होगा, कौन सी जगह पर होगा? बोलो बोलो जल्दी बताओ, फटाफट फिर आगे चले अपन। अरे भाई, किसी परिक्षेत्र में नहीं करना है तो फिर कहां? प्रैक्टिस सिर्फ ज्ञान या चिंतन में करनी है। मेक इट ए पॉइंट प्लीज। प्रैक्टिस सिर्फ ज्ञान में करनी है, प्रैक्टिस सिर्फ ज्ञान में करनी है, प्रैक्टिस सिर्फ चिंतन में करनी है, प्रैक्टिस कहीं बाहर नहीं करनी है। लेकिन किसकी प्रैक्टिस, किसकी प्रैक्टिस, ये तो बताओ, प्रैक्टिस किसकी करें? उपवास करने की प्रैक्टिस करें? बोलो, माला फेरने की प्रैक्टिस करें? दिन में भोजन करने की प्रैक्टिस करें? अवेयर सेल्फ, सही बात है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? बहुत सारे सिद्धांत हैं जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं जो हमारे को ये दिखाते हैं कि हमारे को करना क्या है, लेकिन सच में हमारे को इस बात का पता नहीं है कि हमें करना क्या है। हमें नहीं मालूम है कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं धर्म करने की, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि धर्म कैसे होगा, धर्म कहां करेंगे, धर्म कैसे किया जाएगा। चलो सोचो, विचारो, चिंतन करो। करते हैं आप लोग चिंतन? चिंतन करते हैं आप लोग? आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा क्या खाता है बताओ? शरीर क्या खाता है? शरीर के लिए तो रोटी दाल चावल जो भी खाते हैं आप लोग, मैक्सिकन खाते होंगे, साउथ इंडियन खाते होंगे, क्या क्या खाते हैं यहाँ पता नहीं, मेरे को तो नाम भी नहीं मालूम आप लोग जो जो खाते हैं। आज भी सुबह कुछ खाने में बना था ना, ऐसा ही कुछ क्या था, मैक्सिकन था कुछ, पता नहीं, मैंने तो नहीं खाया, लेकिन क्या था, क्या था वो? मैं तो बोल भी नहीं सकता। चलो जो भी था, लेकिन विचार तो करो भाई साहब, चिंतन तो करो, करना क्या है हमारे को। कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे हम, फिर उनको किस तरह से अप्लाई करें, उनकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, कुछ उसकी चर्चा करेंगे। देखिए जरा क्या क्या बात करें अपन। नए अनेकांत से आदवाद, सुना है आपने नाम कभी? नए क्या चीज है, अनेकांत क्या है, से आदवाद क्या है? देखने का नजरिया, कैसे देखें हम?
एक घटना को कैसे देखा जाए, परिस्थिति को कैसे देखा जाए, उसका नजरिया है अनेकांत। जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है, हमारे यहाँ अनेकांत है भाई साहब, अनेक अंत, अनेकांत, कई एंगल से देखा जा सकता है। स्याद बात कहने की शैली और नए माने देखने का नजरिया, एक घटना को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं, कई तरह से बात कही जा सकती है। मैं लंबा हूं कि गोरा हूं? दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है? अपेक्षा से, माने अपेक्षा बदलने पर कितनी तरह की बातें हो सकती है। चलो भाई साहब, ये बाबूजी छोटे हैं कि बड़े हैं? तत्वार सूत्र महाशास्त्र में ये छोटे बड़े पन की भी चर्चा कई अपेक्षाओं से की गई है, मालूम है आपको? कभी उम्र से छोटा बड़ा पन कहा जाता है, कभी हाइट से छोटा बड़ा पन कहा जाता है, कभी ज्ञान से छोटा बड़ापन कहा जाता है, मालूम है आपको? कितनी तरह से चर्चाएं हो सकती है। जवाब किस अपेक्षा से दिया जा रहा है? जवाब नहीं समझो तो सब गड़बड़ी हो जाएगी। नए अपेक्षा लगाना बहुत जरूरी है, अपेक्षा नहीं समझो तो गड़बड़ी हो जाएगी। एक बहू शादी होकर के घर में आई, नहीं नहीं, और फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, यहां की तो बात नहीं है, बात तो इंडिया की है। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए कहा, तो बहू ने झाड़ू वाड़ू लगा करके सारा कचरा इकट्ठा कर दिया। फिर अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी कचरा कहाँ डालना है? बोले बेटा खिड़की से नीचे डाल देना, लेकिन हाथ में देख के डालना। अम्मा जी तो चले गई कहीं, 10 मिनट बाद में आई कि बहू क्या हुआ, अभी वहीं खड़ी है कि नहीं? अम्मा जी कोई आदमी नहीं निकला अभी तक। आदमी नहीं निकला मतलब क्या? आपने तो कहा था आदमी देख के डालना। मतलब क्या है उसके पीछे? शब्द कुछ कह गए हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे छिपा हुआ अभिप्राय क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? यदि सामने वाले के कहने वाले के अभिप्राय को यदि समझ लेंगे तो झगड़े नहीं हो सकते हैं घर में। ये जिन सिद्धांतों की बात बता रहा हूं, ये सारे के सारे सिद्धांत आर्ट ऑफ लिविंग है। मेरे कई प्रवचन है मेरे यूट्यूब पर आर्ट ऑफ लिविंग पर, कई जगह पर, सिंगापुर के भी हैं और बाहर के भी हैं, अफ्रीका के भी हैं। हमारे ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं, ये कैसे जीवन जिए हम, इनको जीवन में कैसे अप्लाई करें। सामने वाले का नजरिया हो सकता है कि आपको नहीं पसंद आ रहा हो, लेकिन वो गलत नहीं है, नहीं सोच सकते हैं ऐसा, दो मिनट ठंडे दिमाग से नहीं सोच सकते हैं। और यदि आपके नहीं समझ में आ रहा है तो सामने वाले से पूछो, यार आपका क्या कहने का अभिप्राय मैं समझ नहीं पाया। लेकिन हम तो वाक्य सुनते ही गर्म हो जाते हैं, क्यों? आप जानते हैं द्रव्य पर्याय क्या है, द्रव्य गुण पर्याय क्या है? आप जानते हैं वस्तु का स्वरूप क्या है, ये द्रव्य क्या होता है, ये पर्याय क्या होता है, ये वस्तु क्या होती है, ये पदार्थ क्या होता है, उत्पाद या द्रव्य क्या चीज होती है? नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, हम कितना भी समझाने का प्रयास करें आपको। इन सिद्धांतों को यदि आप नहीं समझेंगे ना, आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि आपको द्रव्य गुण पर्याय पता नहीं है तो अब मैं क्या बतलाऊं आपको, घंटों चर्चा करो तभी जाकर के समझ में आती है कुछ बात। लेकिन आप लोग तो बुद्धिमान है। नहीं नहीं, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो कम बुद्धि वालों के लिए बात थी, आपको तो समझ में आ जाएगी 2 मिनट में ही। द्रव्य और पर्याय ये 2 शब्द हैं। द्रव्य क्या चीज है? आत्मा नहीं, द्रव्य माने अनचेंजेबल थिंग, जो बदलती नहीं, जो परमानेंट रहता है। ये दोनों मिलकर के पूरी वस्तु है, द्रव्य और पर्याय, ये दोनों मिलकर के पूरी वस्तु है। द्रव्य उसी वस्तु में न बदलने वाला और पर्याय उसी वस्तु में बदलने वाला। बेसन, बेसन होता है, बेसन, बेसन का बनाते हैं आप लोग, कढ़ी बनाते हैं और मालूम क्या क्या चीजें बनाते हैं, उसके पकौड़े बनाते हैं, भुजिए बनाते हैं, और क्या बनता है बेसन का? ढोकला। मैं तो भूल ही गए गुजरातियों के बीच में, बहुत सारे गुजराती लोग भी है। ढोकला और चलो कोई बात नहीं, कभी आऊं तो खिलाना बना के। माने ये जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, वो सब है उसकी पर्याय, और उसमें जो द्रव्य प्रयोग हुआ है वो है बेसन। पॉइंट समझाना है मेरे को, तो मेरे को कुछ खाना नहीं है आपके यहाँ, मुझे तो ये समझाना है
द्रव्य है जो नहीं बदल रहा है। जब आपके घर पे किसी बर्तन में रखा हुआ था तभी वो बेसन था, जब आपने कुछ किसी भगवनी में परात में किसी चीज में निकाला तब भी वो बेसन था, जब आपने उसका कुछ बना दिया तब भी उसमें बेसन था, लेकिन बेसन की अवस्थाएं बदल गई। तो ये जो द्रव्य पर्याय है जो दोनों मिलकर के एक वस्तु होती है, ये है परमानेंसी विद ए चेंज। परमानेंसी विद ए चेंज, बदलाव भी हो रहा है और वस्तु नहीं भी बदल रही है, नहीं बदल करके भी हर समय बदल रही है। यार ये क्या पागल मिलेंगे, हम ही मिलेंगे तुम्हारे को पागल पागल बनाने के लिए। परमानेंसी विद ए चेंज, कैसी बात करते हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है बदल करके भी ना बदले और न बदल करके भी बदल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो रहा है भाई साहब, ऐसा हो रहा है। किसी भी व्यक्ति से जब आप बहुत लंबे टाइम बाद में मिलते हैं, अचानक देखते हैं और पहचान लेते हैं, अरे भाई साहब आप 20 साल बाद में मिले, अरे यार भूले क्या आप, मैंने तो पहचान लिया आपको लेकिन बहुत बदल गए आप पहले से। मैं आपसे पूछता हूं वो व्यक्ति बदले या नहीं बदले, उनकी अवस्था बदली है, अवस्था बदली है, लेकिन फिर भी वो नहीं बदले पूरी तरह। यदि वे बदल जाते तो आपने पहचाना कैसे, और यदि आपने पहचान लिया तो मैं आपसे पूछता हूं बदले कैसे। वो जो शोले में था ना एक हीरो, कौन था वो, अमिताभ बच्चन, नहीं नहीं एक वो आता है टीवी पर आता है एक सफेद दाढ़ी वाला, कौन बनेगा वो कौन है, नहीं वो अलग है और वो अलग है, दोनों एक ही है। ये अवस्थाएं बदल रही है भाई साहब, इन बदलती हुई अवस्थाओं के आधार पर, लेकिन परमानेंट रहने वाली वस्तु के आधार पर यदि आप देखेंगे तो आपको राग द्वेष खड़े नहीं होंगे, और बदलती हुई अवस्थाओं को देखेंगे तो राग द्वेष कषायें विकल्प खड़े होंगे। कुछ पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस ये अंतिम पेज है मेरा, इसके बाद में कुछ नहीं समझाने वाला हूं मैं आपको, चिंता मत करो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, एक ही पेज है। इसमें कुछ सिद्धांतों की चर्चा करने वाला हूं आपके बीच में, ये क्या चीज है, ये द्रव्य नहीं बदलने वाला और पर्याय क्या है बदलने वाली। आप जानते हैं भगवान महावीर, महावीर स्वामी आदिनाथ भगवान के काल में महावीर स्वामी किस अवस्था में थे, उनके पोते थे, मारीच की अवस्था में थे महावीर, वही महावीर। और क्या काम, काम किए, काम क्या कहें, क्या कांड किया इन्होंने, क्या कांड किया इन्होंने। तीर्थंकर ऋषभदेव स्वामी का समम शरण लगा हुआ है, उनका उपदेश हो रहा है, और ये मारीच जैसा व्यक्ति ये वहां खड़ा हो गया बीच में, और किसी बात पर हुआ नाराज और निकल करके बाहर चला गया, और अंदर आने वाले व्यक्तियों को इसी तरह रोक रहा था जिस तरह बाहर गेट पर खड़े हुए लोग अंदर आने से रोक रहे हैं। फुल हो गया भैया अंदर नहीं जाना, फुल हो गया अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाओ। और ऐसे लोग कैसे रोका उसने, उसकी तो स्टाइल कुछ दूसरे प्रकार की थी, वो पता है क्या कह रहा था भाई साहब बाहर खड़ा होकर के, अंदर कहां जाऊंगे सुनने के लिए, वो बूढ़े बाबा दादा थे उसके, मारी सी के दादा थे, जेनरेशन गैप के इतना तो होगा ही ना, उस जमाने में भी चला करता था। बाहर खड़े होकर के बोलता है उनसे क्या सुनोगे, जाकर के वो क्या समझाएंगे, मैं समझाता हूं तुम्हारे को नए जमाने का नया धर्म। बोलो आप यदि वहां खड़े होते तो क्या कहते भाई साहब, बोलो भाई साहब आप यदि वहां होते तो क्या कहते, अरे यार ये कैसा पापी है, भगवान की दिव्य वाणी सुनने के जाने से रोक रहा है, समाव शरण में जाने से रोक रहा है, तीर्थंकर परमात्मा के पास में जाने से रोक रहा है, क्या कहते हैं आप बतलाओ। लेकिन यदि आपको पता लग जाए कि ये जो मारीची है ना, यही व्यक्ति थोड़े समय बाद में क्या बनने वाला है, भगवान महावीर। अब बोलो अब कैसा लगता है, अब क्या लगता है, जब हम भगवान महावीर स्वामी को देखते हैं तो हमारे को भक्ति का राग आता है, जब हम मारीची को देखते हैं तो हमारे को द्वेष उत्पन्न होता है, नाराजगी उत्पन्न होती है, लेकिन जब हम दोनों में कायम रहने वाले एक जीव को देखते हैं, एक आत्मा को देखते हैं, तो न राग होता है न द्वेष होता है। कुछ समझ में आ रही है बात, आप बदलने वाले को देखते हैं इसलिए घबराते हैं,
जब आप अपनी जवानी की फोटो देखते हैं ना तो उसे बेडरूम में लगा करके रखते हैं, क्यों अभी की क्यों नहीं लगा रखी आपने? क्या क्यों क्या हो गया? कि नहीं नहीं अच्छी से अच्छी फोटो, अच्छा से अच्छा पोज। कई बार तो ऐसा होता है ऐसी फोटो छप करके आती है जो मैगजीन है ना, ऐसी छप करके आती है कि असली सामने आता है तो पहचान ही नहीं पाते कि आप ही हो, फोटो में तो बहुत सुंदर दिख रहे हो। ये अपनी फोटो है ये, मतलब फोटो में सबको अच्छा चाहिए, चेहरे पर झुर्रियां हो तो फोटो में झुर्रियां नहीं आनी चाहिए। अरे भाई साहब पर्याय से देखते हो आप अपने आप को, पर्याय से मत देखो, इन पर्याय से देखने में कुछ दम नहीं है, इन अवस्थाओं से देखने में कुछ दम नहीं है, दृष्टि बदलने का प्रयास करो। पर्याय से मत देखो, अवस्था से मत देखो, स्वभाव से देखो। एक जीवन में कितनी अवस्थाएं बदल जाती है आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आपने राजा श्रेणिक का नाम सुना? महाराज श्रेणिक को जानते हैं आप लोग? कौन थे? उन्हीं भगवान महावीर स्वामी के समोह शरण में एक ऐसा व्यक्ति जो दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गया, प्रथम श्रोता थे। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने एक मुनिराज को द्वेष बुद्धि से उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये वही व्यक्ति थे, ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने इसी जीवन में चाय समय दर्शन ले लिया। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने भविष्य में तीर्थंकर होने के लिए तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध ली। ये वही व्यक्ति है अंत समय में जिन्हें आत्महत्या करने का विकल्प आ गया। आप सोच सकते हैं राजा श्रेणिक ये कैसी घटना दिखाई दे रही है? लेकिन भाई साहब सुनो, पर्याय से मत देखो, पारिणामिक भाव से देखो। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कुछ को आ गया, इतना ही पर्याप्त है। पर्याय से मत देखो, पारिणामिक भाव से देखो, अवस्था से मत देखो, स्वभाव से देखो। देखने की दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है भाई साहब, पूरी दुनिया बदल जाती है। नजरिए का ही तो खेल है, और क्या है? दुनिया कितनी है, दुनिया कितनी है, दुनिया कितनी है भाई साहब? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, हार्ड क्वेश्चन हो गया क्या? तो फिर ये बात बताओ, षडगुणी हानि वृद्धि क्या होता है? सरल बता दो। अरे भाई साहब दुनिया कितनी है, एक दो पांच कितनी है दुनिया? एक ही है ना दुनिया, तो फिर ऐसा क्यों कहते हो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि? हर व्यक्ति का देखने का नजरिया अलग अलग होता है, हर व्यक्ति अलग अलग नजरिए से देखता है। जो जिस नजरिए से देखता है उसे सारी दुनिया वैसी ही नजर आती है। हम यहाँ नजर बदलने की बात कह रहे हैं, चाहे वो अनेकांत स्यादवाद की बात हो, चाहे द्रव्य पर्याय की बात हो। क्रमबद्ध पर्याय, सहजता का विचार, जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, स्वीकार करो भाई साहब। भगवान के ज्ञान में झलक रहा है इस बात का विचार करो, कुछ अनहोनी नहीं हो गई है आपके साथ में, तो जो कुछ भी घटना घटी है ये कुछ अद्भुत घटना नहीं घट रही है, कुछ ना कुछ तो किया होगा, अपराध किसी और का नहीं है। कर्म सिद्धांत का विचार करो, उदय का विचार करो, दोष किसका है? दूसरों का दोष दिखता है। यहां बैठ कर सब सज्जन है भाई साहब, हॉल में आए हैं तो यहां तो आपको लगता है कभी दूसरे का दोष है? आपको लगता है गलती दूसरे की है? जब गुस्सा आता है ना तो हमेशा गलती दूसरे की ही नजर आती है, हमेशा ऐसा ही होता है। अपने आप के बारे में विचार नहीं करता व्यक्ति। घर में एक व्यक्ति बैठा हुआ था और उठ करके एकदम चलने लगा तो उसके पैर से गिलास फूट गया, एक कांच का गिलास रखा था बीच में, वो फूट गया। अब गिलास फूट गया तो तुरंत चिल्ला करके बोलता है, किसने रख दिया था यहां, उठा नहीं सकते थे इसको बीच में, ये कोई रखने की जगह है। गुस्सा करता है, रखने वाले के ऊपर गुस्सा करता है। और यदि वही गिलास चलते हुए नौकर के पैरों से ठोकर खा करके फूट जाए तो क्या कहेगा? अंधा है, देख के नहीं चलता। बोलो, जब नौकर के पैर से फूटता है तो क्या कहता है? अंधा है, पैर के देख के नहीं चलता। और अपने पैर से फूटता है तो फिर अंधेपन का विचार नहीं आता, फिर कहता है रखा किसने है, उसके ऊपर गुस्सा आता है। और कदाचित वो नौकर ये कह दे, बाबूजी आपने तो रखा था, माफ करना, तो नालायक उठा नहीं सकता।
तो भी गुस्सा दूसरे के ऊपर ही आता है। इसलिए कहा जाता है क्रोध अंधा होता है। क्रोधी व्यक्ति को गलती दूसरे की ही नजर आती है। भाई साहब विचार करो, ये कर्म किसी के सगे नहीं होते, ये कर्म किसी के अपने नहीं है, ये इन कर्मों में रिश्वत नहीं चलती है, ये कर्म किसी की सिफारिश नहीं सुनते हैं। जब इन कर्म का फल आता है तो अपने को ही भोगना पड़ता है। अभी भी रिसेंट में कुछ प्रवचन मेरे इन टॉपिक्स के ऊपर, ये कर्म सिद्धांत के ऊपर अपलोड हुए हैं। अभी मयामी में हुए थे, फ्लोरिडा में, महीने में पहली बात है, एक महीने पहले की बात होगी, 15-20 दिन पहले की। मयूर भाई मयामी से आए ना, बोलो विचार नहीं करते आप, ये कर्म छोड़ देंगे आपको। क्षण मात्र का अपराध और लंबे समय की सजा, हमें पता नहीं है इन कर्मों की ताकत, ये कर्म कितने खतरनाक हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता कर्मों की वजह से, लेकिन इन कर्मों को निपटाने की, इन कर्मों से छुटकारा पाने की पावर भी आपके पास में है। आपको मालूम है सती अंजना 22 साल तक शादी होने के बाद में पति ने शक्ल नहीं देखी, 22 years। डे फर्स्ट से, पहले दिन से, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मदर ऑफ हनुमान जी, हनुमान जी के मदर फादर की बात कर रहा हूं। 22 वर्ष तक शादी होकर के आई और शक्ल नहीं देखी उसकी, गजब हो गया, ये कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसा कैसे, तेरे हुए तब भी शक्ल नहीं देखी और शक्ल देखी नहीं 22 साल तक, क्यों क्या हुआ, युद्ध क्षेत्र में चले गए 22 वर्ष तक, मतलब बाद में जब गए हुए थे तो युद्ध क्षेत्र में उन्हें एकदम विचार आया। रात को उन्होंने दो पक्षियों को देखा पेड़ पर, चकवा और चकवी, और आपस में मिल नहीं रहे थे, ऐसा ही नियोग है उनका। तो एकदम उन्हें विचार आया कि अरे ये कैसे तड़प रहे हैं एक दूसरे के वियोग में और मैंने अंजना की शक्ल नहीं देखी, क्या बात है, अपराध किसका है, गलती किसकी है। पता है घटना क्या घटी थी, घटना क्या घटी भाई साहब, रात को मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन मैं तो 22 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। शादी हुई थी उस समय क्या हुआ था, शादी हुई थी उसके पहले पता है क्या हुआ, वो गार्डन में घूमने के लिए गए हुए थे, पवन कुमार गार्डन में घूमने के लिए गए हुए थे और उन्होंने वहां देखा अंजना को और देखते ही इतनी ज्यादा पसंद आई कि वे देखते रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई और बेहोश हो गए, इतनी पसंद आई उनको। फिर क्या हुआ उसके बाद, दोस्तों ने पानी की छींटे दिए, भैया क्या हुआ कि वो कहाँ है, वो तो गई, घर गए, पिताजी से कहा, बात पूरी सामने आ गई, बोले उसी से शादी करूंगा मैं तो, ऐसे दीवाने थे, बोले उसी से शादी करूंगा मैं तो, कुछ भी हो जाए मुझे तो उसी से शादी करनी है, अब क्या करें। पिताजी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, मैं तो उसी से शादी करूंगा, कर लो कुछ भी, आपको जो कुछ भी करना हो, ठीक है। संदेश भेजा गया, ये भी राजपुत्र तो थे ही, संबंध निश्चित हो गया, लेकिन इनको धैर्य कहां थी, ये तो पहुंच गए रात को ही उसके घर पे और पीछे बालकनी से ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, बालकनी में खड़े ही थे कि अंदर अंजना अपनी सहेलियों के साथ में बैठकर कुछ बातें कर रही थी। और बातें क्या चल रही थी, उसकी सहेलियां चिढ़ा रही थी उसको कि ये लड़का तो वही है ना जो देखते ही बेहोश हो गया था, लगता है अब तुझे देखेगा तो होश में नहीं आएगा। तो बातें चल रही थी, सहेलियां आपस में कुछ भी बातें करे और ये मुंह नीचा करके सुन रही थी, बेचारी शर्मा रही थी। इस बात से वे इतने नाराज हुए कि मेरी इतनी बेइज्जती, ये शक्ल देखने से बेहोश हो गए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। शादी हो गई, 22 साल तक शक्ल नहीं देखी उन्होंने, और 22 साल बाद में जब विचार आया एकदम रात को उन पक्षियों को देख करके, तो रातों रात विमान लेकर के आ गए और रात को रुके और फिर वापस चले गए। फिर बाद में जो भी घटना घटी हो, मुझे तो ये बतलाना है कि ये 22 वर्ष तक जो अंजना को अपने पति से दूर रहना पड़ा, गलती किसकी है, किसके कर्मों की गलती, उनके कर्मों का फल अंजना को भुगतना पड़ रहा है ना, नहीं होता है ऐसा, किसी और के कर्मों का फल नहीं मिलता है हमारे को, नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है।
आपको मैं अंजना के पिछले भाव में ले चलना चाहता हूं। पिछले भाव में क्या हुआ, अंजना ने अपनी जेठानी को 22 मिनट के लिए भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से रोका था, वंचित रखा था, उसके यहाँ की प्रतिमा को 22 मिनट के लिए हटा करके छिपा दिया था। 22 मिनट का अपराध 22 साल तक भुगतना पड़ा। आप इतिहास उठा करके देखेंगे, आप प्रथमानुयोग उठा करके देखेंगे, आप स्टोरीज उठा करके देखेंगे, आपको कदम कदम पर इन बातों का पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन हम कर्म के उदय का विचार नहीं करते, तो आप तो हंसते हंसते करते हैं और फल भोगने का समय आता है तो रोते हैं। भाई साहब, किसी और के ऊपर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है, अपना ही विचार करो। चार अभाव जानते हैं क्या है? नहीं जानते। षट कारक जानते हैं क्या है? कई लोग सोच रहे होंगे ऊपर वाला नहीं बतलाए तो सब आज ही बताऊंगा। कुछ काम आप ही तो करो। क्या क्या बतलाऊंगा भाई साहब, कितना बतलाऊंगा आपको, कितने सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। कुछ बातें कह दी है मैंने आपसे सामान्य रूप से, 6 सामान्य गुण जानते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुत्व, प्रवेशत्व। छह कारक क्या है, कारक चक्र की प्रक्रिया क्या है, 4 अभाव कौन से है, प्राग भाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन्य अभाव, अत्यंत अभाव, नहीं जानते है ना। इसलिए कह रहा हूं जानो, इसलिए कह रहा हूं पढ़ो भाई साहब, बिना स्वाध्याय किए। जब आपको सिद्धांतों का ही पता नहीं है, जब आपको यही पता नहीं है कि जैन सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये तो मैंने अभी भी लिख दिए थोड़े से, बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं। जब आपको यही पता नहीं है कि सिद्धांत कौन से हैं, तो फिर आप प्रैक्टिस किसकी करेंगे, फिर आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे, फिर आप डे टू डे लाइफ में उसको उतारेंगे कैसे। ये वे सिद्धांत हैं जिनको जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन में सुख और शांति का संचार होता है। ये वो सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के जीवन में उतर जाने के बाद झगड़े नहीं होते। आपके घरों में तो वैसे ही नहीं होते। आपकी हंसी बता रही है थोड़े तो होते हैं, लेकिन जो थोड़े होते हैं ना वे थोड़े भी मिट जाते हैं। इनको जीवन में उतारो कैसे करें साहब। कई लोग कहते हैं साहब हम तो जानते हैं, मुझे मालूम है यहाँ सभा में बैठे हुए कई ऐसे स्वाध्यायी लोग होंगे जो ये कहेंगे हम तो ये सामान्य गुण भी जानते हैं, षट कारक भी जानते हैं, अभाव भी जानते हैं, कर्म सिद्धांत भी जानते हैं, क्रमण पर्यायकरण सब सब जानते हैं साहब, हम तो सब जानते हैं। लेकिन एक प्रश्न है, इनका रोज चिंतन कैसे करें। रोज चिंतन करना है ना, डेली प्रैक्टिस कैसे करें ये बताओ। अप्लाई कैसे करें भाई साहब, सिद्धांतों को जानने से काम नहीं चलेगा। देखो स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट होगा कि सबसे पहले जानो, स्टार्टिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी ना। सबसे पहले नंबर पर जानो, और जानने के लिए क्या करें, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, जितना हो सके स्वाध्याय करो। शरीर के लिए यदि 2 टाइम भोजन करते हो, 1 टाइम ब्रेकफास्ट करते हो, ये तो मैंने कम बतला दिया, आप तो खाते ही रहते हो जी, मिलने की देर है। सही सही बताओ, अभी यदि आपके सामने यहां मेरे लेक्चर के बाद में आपको पता नहीं है यहां पकौड़े आने वाले हैं। कौन कौन नहीं खा, सबको लगता है यार एक पीस ओके, सब तैयार है। माने खाने पीने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो, तो इन सिद्धांतों की प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा तैयार क्यों नहीं रहते हो। सब टाइम नहीं है हमारे पास में भाई साहब, टाइम नहीं चाहिए इसके लिए। यहां बैठे बैठे कर सकते हैं, ड्राइविंग करते करते कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, भोजन बनाते बनाते कर सकते हैं, भोजन करते हुए कर सकते हैं, नहाते हुए कर सकते हैं। अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस यहां करनी है। प्रैक्टिस दिमाग में करनी है, प्रैक्टिस ज्ञान में करनी है, चिंतन में करनी है, अपने विचारों में करनी है, बाहर नहीं करनी है प्रैक्टिस। जब दिमाग में ही करनी है, विचारों में ही करनी है, फिर क्या सोच रहे हो, करो प्रैक्टिस। ये सब नहीं, रोज रोज फिर भी इतना होता नहीं है, याद नहीं आते हमारे को। भाई साहब याद नहीं आते इसीलिए तो दुखी हो। मैं क्या बतलाऊं, जिनको ये सिद्धांत दिन रात याद रहते हैं वे सुखी हो जाते हैं, और जिन्हें याद नहीं रहते हैं वे कैसे सुखी होंगे। सुखी होने का तो एक ही रास्ता है, स्वाध्याय करना चाहिए। बस रोजाना स्वाध्याय करो, रोजाना स्वाध्याय करो, डे टू डे लाइफ के अंदर रोजाना स्वाध्याय करो। 1 मिनट की घंटी बज गई पीछे, 1 मिनट तो बहुत होता है, 60 सेकंड के अंदर तो कई काम हो जाते हैं। 60 अभी कल भूकंप आया था ना, यहाँ
6.4 एक मिनट आ जाए 6.4 तो क्या होगा। इन सिद्धांतों का चिंतन यदि एक मिनट यदि आप लगातार कर लो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपको केवल ज्ञान हो जाए। लेकिन केवल ज्ञान चाहिए किसको? किसी को भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, केवल ज्ञान नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए, अतिंद्रिय आनंद का रसा स्वादन हो जाए। ये जैन साइंस कुछ अद्भुत है बंधुओं, ये समझने की चीज है। ये एक घंटे के लिए आकर के बैठ गए, सुन लिया, मुझे मालूम है बाहर निकल करके कहेंगे बहुत मजा आ गया, अच्छा था, ये था। कई लोग मेरे को कुछ कुछ नहीं है इनमें दम। जीवन में कितना उतरा, लाइफ में कितना उतरा, दिमाग में कितना रहा, डे टू डे लाइफ के अंदर इसको कितना अप्लाई करेंगे इन सिद्धांतों को। जब जब अप्लाई करेंगे तब आराम मिलेगा आपको, तब शांति मिलेगी। इसलिए भाई साहब इतना कहकर के मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं कि आप ये इन सारे सिद्धांतों को जब जीवन में उतारेंगे तो फिर आप स्वयं को जान पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। आप सभी अपने आप को जानें और अपने आप को पहचान कर अपने में समा जाएं। इसी भावना से बात को यही विराम।